मैंने आपको कहा था ना मिस अग्रवाल, निशा बहुत ठीक है, नहीं बदलेगी। आज जो कुछ भी हो अनइंटेंशनली सही, पर अपनी फैमिली की नजरों में तो गिर गया ना मैं। आई एम सो सॉरी सर, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं, शायद आपका शक सही हो, बट मैं बस एक मौका देना चाहती। आप नहीं समझ रही मिस अग्रवाल, निशा बहुत चलाक, चुटकी में किसी की भी आंख पे पट्टी बांध सकती है, एंड द बेस्ट थिंग इज लोगों को पता नहीं चलता कि अपने इशारों पे नचा रही है। सर हो सकता है आप सही कह रहे हो, जो आज उन्होंने माफी मांगी है वो दिल से ना मांगी हो, बट हमें भी तो पेशेंस रखनी होगी ना, तभी तो चीजें बदलेंगी। हम भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक ही दिन में बदल जाए। आपको भी विश्वास नहीं है ना मुझ पर? ऐसा कभी नहीं हो सकता सर कि मैं आप पे यकीन ना करूं। मैं यहां सिर्फ आपके सर, आई नो बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बट द गुड थिंग इज दैट कि आज एक शुरुआत हुई है, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, एंड अच्छाई तो कभी खाली जाती ही नहीं। मिस अग्रवाल इंटेंशन जैसी भी हो, आज जो भी हुआ उसकी वजह से अपनी फैमिली की नजरों में तो गिर गया ना मैं। आप निशा को नहीं जानती, बहुत चालाक है वो। उसने आपकी बात इसलिए मानी ताकि वो सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा सके कि मैंने उस पर दबाव डाला। एक्चुअली उसने आपकी बात नहीं मानी, उसने आपको अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। प्लीज मिस अग्रवाल, उसे और मौका देके उसके प्लान में मत फंसिए आप, प्लीज। काकी माँ, मुझे लगता है सीरियस डिस्कशन चल रही है दोनों के बीच रेनोवेशन को लेके, है ना आदि? तुम गई नहीं अब तक? वो मैं बस जा ही रही थी, कुछ बात करनी थी। बाय सर। हेलो। थैंक यू सो मच जानवी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। सीरियसली, आदित्य के चेहरे पे, उसकी आंखों में मैंने अपने लिए नफरत के अलावा भी और कोई इमोशन देखे। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। प्लीज मेरी ऐसे ही मदद करते रहना, मुझे पता है मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। तुम्हें पता है मैं आज कितने सालों बाद आदित्य के लिए कॉफी बना रही हूँ? उसी ने मुझसे कहा बनाने के लिए। अभी तुमसे बात करते हुए वही कर रही हूँ मैं। Really, thank you जानवी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। That's great news. अगर हम ऐसे ही सही दिशा में चलते रहेंगे ना, तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे ये मशरूम कौन लाया? भूल गए क्या? आदि को मशरूम से एलर्जी है, थोड़ा सा भी उसके खाने में पड़ जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। इन दिन तक उसका बुखार नहीं उतरता और पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं उसको। मासा, ये आदि भैया के लिए नहीं है, उनके लिए तो नाश्ता निशा भाभी बना रही है, ये तो मैं हमारे लिए लाई थी। काकी मां, नेहा को पता नहीं था, और वैसे भी हमारे लिए भी नहीं बनेगा। जिस चीज से आदि को तकलीफ होती है वो इस घर में नहीं आएगी, बस।
बताओ काकी माँ, क्या आइडिया दिया आपने मुझे? आदि, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम घर पे नहीं रहोगे तो जानवी का यहाँ आने का क्या मतलब है? सॉरी बेबी, मुझे करना पड़ेगा। Breakfast ready, my darling husband. आप ऑफिस नहीं गए? मन नहीं है शारदा से ऑफिस में जाने का। तुम्हें पता है शारदा, वो फोन पे जो ड्रामा हो रहा था, नीचे के क्लाइंट परेशान कर रहा है और कोर्ट में जाएगा, वो सब एक नाटक था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आदि खुद हैंडल नहीं कर सकता। सिर्फ मुझे ऑफिस बुलाने के लिए एक चाल चली गई। हाँ बीबी ना, अपनी बचपन की जिद इस उम्र में भी पकड़ के बैठा है, तो उसने एक बार ठान लिया ना, वो घर के ही छोड़ता है। कमाल है, तुम्हें हंसी आ रही, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? तो क्या गलत किया उसने? आपको ऑफिस में बुलाने के लिए तो खेल खेला है ना, ऑफिस से निकालने के लिए तो नहीं ना? वो खेल भी खेल चुका है वो। तुम अब भी आदि की तरफदारी कर रही हो शारदा? तुम्हारी ममता के साथ क्या खिलवाड़ किया आदि ने, हम सबने देखा है। सर, मैं जानती हूँ आपका पर्सनल मैटर है, बट फिर भी कुछ कहना चाहती हूँ। आंटी जो कह रही है वो गलत नहीं है। क्या हुआ अगर आदि सर ने आपको धोखे से ऑफिस बुलाया? वो जानते हैं, वो आपकी वैल्यू समझते हैं कि आप उस कंपनी के लिए और वो कंपनी आपके लिए कितने मायने रखती है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। मैं एक्चुअली वो काम शुरू करने से पहले एक बार रूम देखना चाहती थी। हाँ बेटा देख लो। आनी, आनी, सब पानी। बुखार कम नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर को बुलाती हूँ। रैशेस, वो तो एलर्जी से होते हैं। आई थिंक हमें उनका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट? उससे तो क्लियर हो जाएगा कि आदि को क्या हुआ है। खून सिर्फ तुम्हारा क्यों बहे? तुम्हारी धर्म पत्नी हो आदि, हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी।